Hello everyone, welcome to PharmaRocks, the way of success. In today's video, we will study about the manufacturing of pharmaceutical aerosol. And this is our part 4 video, and today we study about the detailed manufacturing process and manufacturing steps involves in a manufacturing of pharmaceutical aerosol. So welcome to PharmaRocks. PharmaRocks mobile application is now available, so search this application PharmaRocks on Google Play Store. On application, you will find the GPAT test series, pharmacist and drug inspector test series at affordable prices. For test series, contact on 9016312020. You will also find the study materials on our mobile application, so download the app PharmaRocks. Subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजोल कि जिसके अंदर मेन तीन टेक्निक्स जो है वो इंक्लूडेड है. फर्स्ट वन, इट इज़ ए प्रेशर फिलिंग एपरेटस. सेकंड इज कोल्ड फिलिंग एपरेटस एंड थर्ड इज कॉम्प्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस. सो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजोल. तो ये आएगा प्रेशर फिलिंग, कोल्ड फिलिंग एंड कॉम्प्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस. आगे देखते हैं मेन मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल्स. सो सबसे पहले हमारे पास होता है एम्प्टी कैन, मतलब कि जो कंटेनर होता है कि आप कोई भी आगे के पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है कि कंटेनर्स अलग अलग टाइप के होते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कोटेड कंटेनर, ग्लास कंटेनर, ओके, स्टेनलेस स्टील, टिन प्लेटेड कंटेनर्स. सो कोई भी आप सुटेबल कंटेनर ले सकते हैं. देन यू हैव टू ऐड द प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो कलर है यहाँ पे दिखाया गया है कि इट इज ए स्काई ब्लू कलर. ओके, तो ये है हमारी प्रोडक्ट. आफ्टर दैट वी विल फिट द वाल्व. वाल्व और जो पूरी असेंबली होती है, ओके, डीप ट्यूब है, गास्केट है, वाल्व है, ओके, वगैरह हम अच्छे से वहाँ पे फिट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है ऐड द प्रोपेलेंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर जो हेड स्पेस है वहाँ पे हमने देखा कि लाइट पिंक कलर का प्रोपेलेंट जो है वो फिल किया हुआ है, मतलब कि जो लाइट पिंक कलर का जो पोर्शन दिखा रहा है वहाँ पे हम फिल करेंगे प्रोपेलेंट, और नीचे जो स्काई ब्लू कलर का जो पोर्शन हमें दिखाया गया है वहाँ पे हम जो है वो हमारी प्रोडक्ट है. सो इस तरह से कलर डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि स्पेस छोड़ी जी जाती है फॉर प्रोपेलेंट एंड नीचे की ओर रहता है हमारा प्रोडक्ट. एंड लास्ट में हम फिल करते हैं एक्चुएटर. एक्चुएटर्स हम सभी को पता है कि एक स्पेशलाइज क्या होते हैं, बटन्स होते हैं कि जो अलग अलग पैटर्न से प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपेल आउट करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि एज अ फॉर्म, एज अ स्प्रे, एज अ सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, अलग अलग फॉर्म के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट है उसको कंटेनर में से एक्सपेल आउट करवाते हैं एक्चुएटर्स. दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल्स. सो ये आपको स्टेप्स खास याद रखने हैं. सो सबसे पहले देखते हैं अबाउट द प्रेशर फिलिंग एपरेटस. तो प्रेशर फिलिंग एपरेटस में क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेशर ब्यूरेट ऑफ कैपेबल ऑफ मीटरिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विफाइड गैस इन टू द एरोसॉल कंटेनर अंडर द प्रेशर. ओके ओके, एक प्रेशर ब्यूरेट होती है कि जो क्या कर सकते हैं कि इट हैव ए कैपेसिटी, ओके, टू टॉलरेट द प्रेशर एज वेल एज इज कैपेबल ऑफ मीटरिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विफाइड गैस इनटू द एरोसॉल कंटेनर. देन प्रोपेलेंट इज एडेड थ्रू एन इनलेट वाल लोकेटेड एट द बॉटम और टॉप ऑफ द प्रेशर ब्यूरेट. ओके, एक प्रेशर ब्यूरेट यूज की जाती है, ओके, इन प्रेशर फिलिंग एपरेटस. सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ए प्रेशर फिलिंग एपरेटस. तो प्रेशर ब्यूरेट, ये एक काफी पिन पॉइंट निकलता है प्रेशर फिलिंग एपरेटस में से. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, तो कैपेबल ऑफ मीटरिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विफाइड गैस इन टू द एरोसॉल कंटेनर अंडर द प्रॉपर प्रेशर. एंड प्रोपेलेंट इज एडेड थ्रू एन इनलेट वाल लोकेटेड एट द बॉटम और टॉप ऑफ द प्रेशर ब्यूरेट. नेक्स्ट इज प्रेशर फिलिंग एपरेटस. ओके,
इसके अंदर देखते हैं कि द प्रोपेलेंट इज अलाउड टू फ्लो विथ इट्स ऑन वेपर प्रेशर इन द कंटेनर थ्रू द एरोसोल वाल्व. द ट्रैप्ड एयर एस्केप्स आउट फ्रॉम द अपर वाल्व. द प्रोपेलेंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन द प्रेशर ऑफ ब्यूरेट एंड कंटेनर बिकम्स इक्वल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेशर फिलिंग एपरेटस के अंदर कि प्रोपेलेंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन द प्रेशर ऑफ ब्यूरेट एंड कंटेनर बिकम्स इक्वल. मतलब कि ब्यूरेट का और कंटेनर, मतलब कि ये फील कैसे करना है आपको, इसके लिए हम स्पेशलाइज जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में देखा हमने प्रीवियस स्लाइड में कि कैसी स्पेशलाइज ब्यूरेट यूज होती है, प्रेशर ब्यूरेट, जिससे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट एज वेल एज प्रोपेलेंट जो है वो हम इसके अंदर फील कर सकते हैं. ओके, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो पूरा असेंबली कि जिसको हम कहेंगे प्रेशर ब्यूरेट. ओके, और ये हम देख सकते हैं कि ये एम्प्टी कंटेनर्स है. तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट फिल की जाती है. ओके, सो ये प्रेशर ब्यूरेट को यूज़ करके हम प्रोडक्ट जो है हमारी ड्रग, चाहे इमल्सन फॉर्म में है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, जो भी फॉर्म में हो उसको इसके अंदर फिल करवाए. देन सिमिलरली वी कैन ऑल्सो एड द प्रोपेलेंट. ओके, द प्रोपेलेंट इज अलाउड टू फ्लो विथ इट्स वेपर प्रेशर इन द कंटेनर थ्रू द एरोसोल वाल. एरोसोल वाल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोपेलेंट को फिल करवाते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर फिलिंग. सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन कैन बी फिल बाय दिस मेथड एज चिलिंग डज नॉट अकर्स. ओके, सो क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि वाई सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन कैन बी फिल बाय दिस मेथड, प्रेशर फिलिंग टेक्निक्स, बिकॉज चिलिंग डज नॉट अकर्स इन दिस टेक्निक. कॉन्टामिनेशन ड्यू टू मॉइस्चर इज वेरी लेस. हाई प्रोडक्शन, हाई स्पीड कैन बी अचीव एंड लॉस ऑफ प्रोपेलेंट इज लेस. मतलब कि प्रोपेलेंट बहुत ही कम लॉस होता है बाय दिस प्रेशर फिलिंग टेक्निक. दीज आर द डिसएडवांटेजेस. सर्टेन टाइप ऑफ मीटरिंग वाल्व्स कैन बी हैंडल ओनली बाय द कोल्ड फिलिंग प्रोसेस और थ्रू यूज ऑफ एंड अंडर द कैप फिलर एंड वाल क्रिम्पलर. प्रोसेस इज स्लोअर देन कोल्ड फिलिंग मेथड. दीज आर द मेन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ ए प्रेशर फिलिंग मेथड की जो प्रोसेस है थोड़ी स्लोअर है एज कम्पेयर टू कोल्ड फिलिंग. एंड सर्टेन टाइप ऑफ मीटरिंग वाल्व कैन बी हैंडल ओनली बाय द कोल्ड फिलिंग प्रोसेस. ओके, कि कुछ वाल्व ऐसे होते हैं कि जिसको आप सिर्फ कोल्ड फिलिंग से ही यूज कर सकते हो, तो उस वक्त आप प्रेशर फिलिंग टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते. तो अब पढ़ते हैं रिगार्डिंग कोल्ड फिलिंग एपरेटस या फिर कोल्ड फिलिंग टेक्निक्स. सो इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड बॉक्स फिटेड विथ कॉपर ट्यूबिंग्स एंड द ट्यूबिंग्स आर कॉइल्ड टू इंक्रीज द एरिया एक्सपोज टू कूलिंग. द इंसुलेटेड बॉक्स शुड बी फिल्ड विद द ड्राई आइस और एसीटोन प्रायर टू यूज. द एपरेटस कैन बी ऑपरेटेड विथ और विदाउट मीटर्ड वाल्व. तो ये है कोल्ड फिलिंग एपरेटस कि जिसके अंदर क्या किया जाता है. सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कि इंसुलेटेड बॉक्स होता है विथ कॉपर ट्यूबिंग्स एंड द ट्यूबिंग्स आर कॉइल्ड टू इंक्रीज द एरिया एक्सपोज टू द कूलिंग. फिर कूलिंग के लिए क्या उसके अंदर टेक्निक्स है, तो ड्राई आइस और एसीटोन प्रायर टू यूज. द एपरेटस कैन बी ऑपरेटेड विथ और विदाउट मीटर्ड वाल. ये मेन पॉइंट्स है. हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स कैन नॉट बी फिल इन टू द एरोसोल कंटेनर्स यूजिंग दिस एपरेटस बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट एस्केप्स आउट एंड वेपोराइज. सो ये काफी आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स कैन नॉट बी फिल्ड इन टू एरोसोल कंटेनर यूजिंग दिस एपरेटस बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट एस्केप्स आउट एंड वेपोराइज. ओके, सो ये एक उसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि यू हैव टू फिल, यू कैन नॉट फिल द हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स. की जो हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स है कि जो हमने आगे फर्स्ट लेक्चर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स,
इसमें से जो हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स है उसको हम कोल्ड फिलिंग टेक्निक से नहीं फिल कर सकते. सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेलेंट कैन नॉट बी फिल इन टू एरोसोल कंटेनर यूजिंग कोल्ड फिलिंग एपरेटस. तो दे आर हाइड्रोकार्बन टाइप. ओके, कि हाइड्रोकार्बन टाइप के प्रोपेलेंट्स कोल्ड फिलिंग टेक्निक से फिल नहीं किए जाते बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट एस्केप्स आउट एंड वेपोराइज. ये खास याद रखना है, काफी मोस्ट आईएमपी पिन पॉइंट है ये. सो ये आपको खास आपकी कॉपी में लिख लेना है विथ प्रॉपर हाइलाइट्स. दिस में लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्सप्लोजिव मिक्सचर तैयार हो सकता है इससे. ओके, कोल्ड फिलिंग एपरेटस से, कि अगर समझो कि आप हाइड्रोकार्बन्स भी यूज कर लेते हो एंड क्या होता है कि जो प्रोपेलेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट एस्केप आउट, जब प्रोपेलेंट एस्केप आउट होता है तो उस वक्त एक्सप्लोजन होने के चांसेस है. सो दिस में लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर. सो ये खास आपको याद रखना है रिगार्डिंग कोल्ड फिलिंग. ओके, ये है पूरी उसकी असेंबली कि जिसको आपको डायग्रामेटिकली ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, कि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इन डायग्राम. ओके, कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, वाल्व एंड सिलेंडर टैप्ड एंड थ्रू आउट फॉर द फिलिंग. ओके, कंटेनर विद द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह से पूरी जो इसकी असेंबली जो है वो तैयार होती है कोल्ड फिलिंग. नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मेन आपको याद रखने है उसके एडवांटेजेस, इजी प्रोसेस, सेफ प्रोसेस. डिसएडवांटेजेस आर एक्वियस प्रोडक्ट, इमल्सन्स एंड दोज प्रोडक्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर कैन नॉट बी फील्ड बाय दिस मेथड. के ये हमने आगे भी देखा था कि इमल्सन है, सस्पेंशंस वगैरह जो अफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर से जो भी प्रोडक्ट्स अफेक्ट होते हैं, कि सस्पेंशन में भी यही प्रॉब्लम है, उसको आप फ्रीज नहीं कर सकते. ओके, सो कैन नॉट बी फील बाय दिस मेथड. सो दीज आर द डिसएडवांटेज. और एक ये कि जो हाइड्रोकार्बन्स प्रोपेलेंट कैन नॉट बी फील यूजिंग द कोल्ड फिलिंग एपरेटस. नेक्स्ट है कॉम्प्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस, कि कॉम्प्रेस्ड गैस हैव ए हाई प्रेशर, हैंस ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इज रिक्वायर्ड. ओके, कि जो कॉम्प्रेस्ड गैस होते हैं उनका क्या है, हाई प्रेशर. सो इसके लिए हमें जरूर पड़ेगी यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स की. सो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स आर यूज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स. प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फिलिंग टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजोल. इट इज ए कॉम्प्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस. तो ये एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है. ओके, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स रिक्वायर्स ओनली इन ए कॉम्प्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस बिकॉज कॉम्प्रेस गैस हैव ए हाई प्रेशर. द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ डिलीवरी गैस, अ फ्लेक्सिबल होज पाइप विच कैन विथस्टैंड 150 PSIG पाउंड पर स्क्वायर इंच गैस प्रेशर. ओके, अटैच्ड टू द डिलीवरी गैस अलोंग विद द फिलिंग हेड. मतलब कि ये जो पाइप होगी, फ्लेक्सिबल होज पाइप, कि जो 150 PSIG जो प्रेशर है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गैस, उसको टॉलरेट कर सके, ऐसी होनी चाहिए. देन डिलीवरी गैस आर अटैच्ड विद दैट एंड रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व. तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्प्रेस गैस फिलिंग एपरेटस के. प्रोसीजर ऑफ कॉम्प्रेस गैस फिलिंग एपरेटस, द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट इज फिल इन टू द कंटेनर. ये फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आपको फिल करना है इन टू द कंटेनर. नेक्स्ट इज वाल्व विल प्लेस एंड क्रिम्प्ड ऑन द कंटेनर. वाल्व प्रेस करके उसको क्रिम्प्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. द एयर इज रिमूव फ्रॉम द कंटेनर. मतलब कि वैक्यूम पंप से आप अंदर कोई एयर है तो उसको रिमूव कर देते हैं हम. फिलिंग हेड इज पुट इन द ओपनिंग ऑफ द वाल. द वाल इज डिप्रेस एंड द गैस इज अलाउड टू फ्लो इन टू द कंटेनर. ओके,
While it's depressed, gas is allowed to flow into the container. The gas is stopped flowing if the delivery pressure and the pressure within the container becomes equal. मतलब कि जैसे कॉम्प्रेस गैस फिलिंग की, जैसे कोई भी सीएनजी गाड़ियां होती है, इसके अंदर आप कैसे प्रेशर से फील किया जाता है गैस को, जैसे गैस सिलेंडर्स के अंदर हम गैस फील करवाते हैं, दिस इज द सेम टेक्निक कि जब कंटेनर के अंदर का प्रेशर और जहां से हम डिलीवरी करवा रहे हैं प्रेशर, और दोनों प्रेशर समझो कि सेम हो जाता है, तब जो है वो गैस फ्लो होना स्टॉप कर दे। जैसे कि हम सीएनजी व्हीकल्स के अंदर जब भी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस फिल करते हैं, तो उसमें भी ऐसी टेक्निक होती है कि जब वो बॉटल पूरा फुल हो जाता है तो उसके बाद गैस फ्लो होना बंद हो जाता है। सो दिस इज द एडवांटेज, द गैस स्टॉप फ्लोइंग इफ द डिलीवरी प्रेशर एंड द प्रेशर विद इन द कंटेनर बिकम्स द इक्वल। मतलब कि हमारा जो कंटेनर है और जहाँ से हम प्रेशर से फिल करवा रहे हैं गैसेस, दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो गैस फिल होना फिर बंद कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज इफ मोर अमाउंट ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड। ओके, ज्यादा आपको गैस की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो ये क्वेश्चन है कि कॉम्प्रेस गैस फिलिंग एपरेटस में विच गैसेज यूज होते हैं, कौन से गैसेज यूज होते हैं, तो आपको याद रखने हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों खास याद रखने हैं फॉर गैस फिलिंग एपरेटस। सो दिस इज अबाउट द मेन थ्री, गैस फिलिंग, ओके, कोल्ड फिलिंग एंड प्रेशर फिलिंग। सो दिस इज अबाउट द पार्ट फॉर लेक्चर, टू बी कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट पार्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेक्चर नंबर 5, कि जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द IPQC टेस्ट एंड इवेल्युएशन पैरामीटर्स ऑफ ए फार्मास्यूटिकल एरोसोल। सो वी विल डू डिटेल स्टडी ऑन दिस टॉपिक इन ए डिफरेंट पार्ट्स, फुल चैप्टर इन ए वेरियस पार्ट्स, एंड टोटल 5 पार्ट हो गए। पांचवा पार्ट जो है वो 5, लेक्चर नंबर 5 वी विल स्टडी इन ए नेक्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग द इवेल्युएशंस। Till then, you can also use our mobile application PharmaRox and start your GPAT test series, Pharmacist Drug Inspector test series on PharmaRox mobile application, Android app available on Google Play Store. For more details, you can contact on 9016312020. So thank you friends for watching this video. Share the video, subscribe channel, press on the bell icon. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of PharmaRox, the way of success. Good luck and all the best.